मॉड्यूल 125 डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ पीडीएसटी डी सो ना वी विल डिस्कस अबाउट द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड देयर एक्सप्लेनेशन इन रेफरेंस टू द सिम्टम मैनिफेस्टेशन हम ये देखेंगे कि किस तरह के इवेंट्स बच्चा जो है वो विटनेस करेगा या एक्सपीरियंस करेगा जिनको जिनके रिज़ल्ट में हम कह सकते हैं कि ये बच्चा माइट बी पी जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है सो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर जो पहला पॉइंट है उसमें हम ये बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा है और उसके साथ सेक्सुअली एब्यूज हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो इवेंट उसके साथ हुआ हुआ है वो उसके डेवलपमेंटल एज के मुताबिक इन इनप्रोप्रिएट था ठीक है जो उसने सेक्सुअली वायलेंट इवेंट्स उसने एक्सपीरियंस किए हैं वो उसके डेवलपमेंटल एज के अकॉर्डिंगली इन इनप्रोप्रिएट है ठीक है इसके अंदर सर्टेन टाइम यूँ हो सकता है कि किसी भी फिजिकल वायलेंस या इंजरी आपको ना नजर आए या रिपोर्ट ना हो तो दिस इज समथिंग इन इफ द चाइल्ड इज एक्सपीरियंस दैट सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल अब्यूज़ तो हम उसको भी uh, कहेंगे कि बच्चे ने ट्रॉमेटिक इवेंट एक्सपीरियंस किया है चाहे उसको फिजिकल वायलेंस या इंजरी हमें उसकी बॉडी पे ना मिले देन सर्टन टाइम कुछ ऐसे ट्रोमेटिक इवेंट होते हैं जो कि मेडिकल uh, uh, उनको हम कहते हैं मेडिकल इंसिडेंट्स अब मेडिकल इंसिडेंट्स का क्या मतलब है कि जो बच्चा है उसको एकदम से सर्जरी हो रही है और एनस्तीजिया का इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया तो ये भी एक उसके लिए ट्रोमेटिक इवेंट होगा इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उसे किसी एलर्जी है कोई रिएक्शन ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है uh, उसके ऊपर uh, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है या उसको नियर डेथ uh, Uh, जो है uh, वो एक्सपीरियंस हुआ है ठीक है तो दिस इज़ समथिंग लाइक जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा कि uh, कुछ लोगों को कैफीन से एलर्जी होती है और जिसके बाद वो लोग फेंट हो जाते हैं या उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो इट माइट बी समथिंग कि उनको कोई इस किस्म का एक्सपीरियंस हुआ हो कि उनको लगे कि दे आर जस्ट अबाउट टू तो डाई तो इस किस्म के जो एक्सपीरियंसेस हैं मेडिकल में और उनको भी हम कहते हैं कि उनकी वजह से भी बच्चों को पी हो सकता है इसी तरह ये भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसे इवेंट्स जो हैं उनको विटनेस किया हो या उन्होंने ऑब्ज़र्व किया हो जिसके अंदर सीरियस इंजरी या अन नैचुरल डेथ्स अच्छा अब अब वो बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स की नेचुरल डेथ जो है उसको एक्सपीरियंस किया है वो माइट बी कम अंडर द हेडिंग ऑफ बरीवमेंट यानी उनको हो सकता है कि बीवमेंट का पीरियड उनका चल रहा हो लेकिन जो पी डी एस टी के अंदर चीज़ें आएंगी वो अन नैचुरल डेथ्स आएंगी ठीक है जिस तरह अर्ट्स को एक आया और एकदम से जो पेरेंट्स थे वो बच्चा बाहर अगर खड़ा है और पेरेंट के ऊपर जो है वो रूफ़ गिर गई तो इसका मतलब है कि फ़ादर की डेथ हो गई इसी तरह अगर फ्लड आया और फ्लड में उसने देखा कि उसके बहन भाई चले गए हैं तो इस तरह जो है ये जो चीज़ें हैं उनको हम कहेंगे कि अन नेचुरल डेथ्स हैं इसी तरह अगर हम ये देखें कि बच्चा जो है उसको उसने ये देखा हो कि किसी और को फिज़िकली एब्यूज़ किया जा रहा है या सेक्शुअल एब्यूज़ किया जा रहा है या घर में डोमेस्टिक वायलेंस है वॉर है तो कोई भी इस किस्म की चीज़ें जो कि उसने uh, विटनेस की हो या स्कूल के अंदर किसी दूसरे बच्चे को जो है कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग उसने सिचुएशन फेस uh, की हो तो उसकी वजह से भी उसको पीडीएसटी जो है वो डेवलप हो सकता है बट अगेन दीज ऑल थिंग्स शुड बी डन इन रियलिटी देन इन डायरेक्ट एक्सपोयर हो सकता है यानी उसे बताया जाए उसे पता चले कि उसके क्लोज रेलेटि या फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने कोई वायलेंट वायलेंस को फेस किया है या उन्होंने कोई एक्सीडेंट जो है उसको फेस किया है ठीक है जिस तरह हो सकता है कि किसी ने सुसाइड कर ली हो फैमिली के अंदर कोई किसी ने सीरियस एक्सीडेंट किसी का हुआ हो सीरियस किसी को इंजरी हुई हो तो ये वाले जो कॉजेज हैं सॉरी ये जो हैं इनकी वजह से भी बच्चे को पी के सिम्टम्स जो हैं वो एक्सपीरियंस कर सकता है अच्छा उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि एक दफ़ा एक इंसिडेंट हुआ है? ओके उसके रिजल्ट के अंदर पी के सिम्टम आ गए सर्टेन टाइम क्या होता है कि वो इवेंट जो हैं वो प्रोलॉन्ग करते हैं रिपीटेड होते हैं और सवेयर होते हैं फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड हुड वो एक दफ़ा नहीं होता वो मल्टीपल टाइम्स होता है टॉर्चर बच्चे को किया जा रहा है वो एक दफ़ा नहीं हुआ वो मल्टीपल टाइम हुआ तो जब वो चीज़ें जो हैं वो प्रोलोंग करती हैं तो उसकी वजह से भी जो है बच्चे को पी के सिम्टम्स आते हैं और उनकी वजह से मूड रेगुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है इसके साथ साथ उनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो स्टेबल नहीं होते और डिसोसिएटिव सिम्टम्स जो हैं वो उनके अंदर डेवलप हो सकती हैं अगेन जैसा हमने पहले बात की थी कि ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स की डेथ नेचुरली हुई होती है और वो उसको विटनेस करते हैं तो सम टाइम वो ब्रीवमेंट का पीरियड होता है ब्रीवमेंट का पीरियड वो होता है जिसके अंदर हम किसी की डेथ को एक्सपीरियंस करते हैं और हमें कुछ टाइम लगता है उस ट्रामा को हील करने के लिए ठीक है तो दैट इज़ समथिंग कि वो ब्रीवमेंट का पीरियड चल रहा होता है लेकिन सर्टन टाइम ऐसे भी होता है कि अगर वो अप ना हो तो वो पी के अंदर चेंज हो सकता है या पी के सिम्टम्स लेटर ऑन डेवलप हो सकते हैं थैंक यू